गवर्नमेंट होश में हो, होश में हो, बीजेपी गवर्नमेंट होश में हो, होश में हो, पूरी वार जस्टिस, पूरी वार जस्टिस, पूरी वार जस्टिस, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आदिवासी एसोसिएशन जिंदाबाद, आदिवासी एसोसिएशन जिंदाबाद, आदिवासी एसोसिएशन जिंदाबाद, पूरी वार जस्टिस, पूरी वार जस्टिस, पूरी वार जस्टिस, प्रदर्शन करने का मकसद यही है कि हम 520 SRO जो कि जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी और PDP गवर्नमेंट ने ही हमें 2017 में हमारे 520 में हमें NYC को गवर्नमेंट में लाया था, और आज 5 साल वादे करते हुए आज इन्होंने हमें एक ऑर्डर दे दिया कि आप जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है, हमें सेंटर के साथ एज ए वॉलंटियर ट्रीट करते हैं। क्यों हमारे साथ सभी ने वादे किए, अरविंद रैना जी 2010 से हमारे साथ लड़ते हुए आए हैं रोडों पर बैठ के कि आपका मसला जायज़ है, आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। आज वो कहां पर है? क्या इनकी सुनवाई नहीं हो रही है? हमारे माननीय पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू जी वो हमसे खुद रूबरू होते हैं और मानते हैं कि आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, और मानते हैं कि आपके लिए मैं जल्द से जल्द पॉलिसी लाऊंगा जिसके साथ आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। उनके जाने के बाद हमारा पूरा रवैया चेंज हो गया, ना हमारी कोई बात सुनी जाती है। आज के जो उपराज्यपाल जी हैं हमारे माननीय सिन्हा साहब वो हमसे मिलने को तैयार नहीं है, और हमारे लिए कमेटी पे कमेटियां बनाते हैं और लास्ट में फैसला ये करते हैं कि इनको वॉलंटियर बनाया जाता है, 13 साल हमसे ड्यूटीज ली जाती हैं और झूठे आश्वासन दिए जाते हैं रोज। अरविंद रैना जी से लेकर हर बीजेपी के कार्यकर्ता ने, यहाँ के अहदेदारों ने, कोर पूरी बीजेपी की कोर टीम ने हमसे वादे किए, और लास्ट में हमें क्या दिया गया? वॉलंटियर्स की सर्विस। हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा, और आज से हमारा प्रदर्शन जारी है, ये तब तक जारी होगा जब तक हमारी मसले हल नहीं होंगे। सर मैं स्मृति NYC आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 2012 से जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे हमारी स्टेट में जो भी गवर्नमेंट रही है, वो हमें 2012 से चीट कर रही है। 2014 में हमें इन्होंने एक SRO में रखा, जिसके कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि ये SRO आपके लिए अच्छा नहीं है, हम इसको चेंज करके 2017 में इन्होंने हमें 520 में रखा। उसके बाद आज ही हमें फिर से 520 के बाद हमारी जो एनरोरियम बोले कि सैलरी बोले, वो हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी, बट आज फिर हमें बीजेपी जो चीफ सेक्रेटरी जी ने ऑर्डर निकाला है उसमें हमें क्या कह दिया कि हम सेंटर की स्कीम के अंडर है। फिर हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि 2017 से लेकर और 2022 तक हमें कौन सी स्कीम के अंडर रखा गया था।